हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यूटी में कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, आई होप कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। देखिए एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन है, अभी ध्यान, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक ये, इनका बोलते हैं फंक्शन यानी फलन। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन जब एक्स बड़ा है एक, x बड़ा है और बराबर है किसके, एक से। x स्क्वायर प्लस वन जब x छोटा है एक से। मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर ये चिन्ह ऐसे है तो इसका मतलब ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है इसका मतलब राइट लिमिट है इसकी, ये छोटा है का चिन्ह होगा, लेस देन ये ग्रेटर, ये लेस देन, ग्रेटर के लिए हमेशा राइट लिमिट आएगी, लेस देन के लिए हमेशा लेफ्ट लिमिट आएगी। तो ये बात ध्यान रखना इसमें। देखिए दूसरी बात, आज इसमें कल जैसे x नॉट इक्वल टू 0 वाली बात नहीं है इसमें। इसमें देखिए x ग्रेटर इक्वल 1 है, x लेस देन 1 है, x इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस का पता करना है कि ये x इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूस है कि नहीं है तो हमें तीन चीज निकालनी पड़ेगी। पहले तो फलन का मान, फलन की दाई सीमा और फलन की बाई सीमा, यानी कि पहला पॉइंट होगा पॉइंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दूसरा होगा पॉइंट इसका राइट लिमिट, तीसरा पॉइंट होगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए अब देखिए इसमें अब फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो हम निकालेंगे वो इसमें पता करेगी कौन सा होगा वो देखिए। अभी बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का मान, एफ एक्स बराबर, देखिए फलन का मान किस पर निकलेगा, एक बात ध्यान रखना अच्छे से याद कर लेना इसको, मैं जो चीज बता रहा हूं बहुत ही अहम चीज बता रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि फलन का मान ये होगा ये होगा ये होगा, तो एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो आपको ग्रेटर इक्वल मिलेगा या लेस देन इक्वल मिलेगा, दोनों में से एक चीज जरूर मिलेगी, या तो लेस देन इक्वल मिलेगा या ग्रेटर इक्वल मिलेगा, उसी पर ही हमेशा फलन का मान निकलेगा। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, फलन का मान अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें आपको फलन का मान चाहिए यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चाहिए आपको, तो वो कहां से प्राप्त होगी, वो आपको इस फंक्शन से ही प्राप्त, इन दोनों फंक्शनों से ही प्राप्त होगी। इन दोनों फंक्शनों में कौन सा वो फंक्शन होगा जिसमें बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आएगी, तो मैंने बताया या तो मिलेगा ग्रेटर इक्वल या मिलेगा लेस देन इक्वल, हमेशा फलन का मान उसी पर आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन उसी पर आएगी। तो इन दोनों को चेक करें तो देखिए इसमें कौन से में ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल है। तो देखिए मैं पता करता हूं, यहां पे मेरे को ग्रेटर इक्वल यहां पे मिलता है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक में ही आएगी, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, एक में ही आएगा, दोनों में एक साथ कभी नहीं आएगा। तो देखिए ग्रेटर इक्वल वन इसमें दिया है, यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन किस पे निकलेगा, इस पर निकलेगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना इसको। अगर फंक्शन में ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन उसी पर निकलेगा। तो देखिए मेरे पास में ये है, एक्स बड़ा है लेकिन बराबर है किसके, ए के, बड़ा है ध्यान रखना, ये ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर वाली बड़ा है, ये क्या है, एक्स छोटा है किससे, एक से, बात समझ में आ गई, यानी कि ये लेफ्ट लिमिट है इसकी, ये क्या है राइट लिमिट है, ठीक है भाई। तो एक मैं पॉइंट लेके बताता हूं आपको, ये मेरे पास में एक्स इक्वल टू वन है, क्या है ये मेरे पास एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू वन, इसके इस साइड में लेफ्ट लिमिट और इसके इस साइड में
राइट लिमिट। ये पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू 1, क्या है ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट में क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसके राइट में क्या है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड का मतलब बड़ी और इधर क्या आएगी छोटी, तो देखिए छोटी कौन सी है इसमें, तो ये जो फंक्शन होगा fx इसमें क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड यानी कि इसकी बाईं सीमा, ये इसकी क्या है दाईं सीमा। तो इस पॉइंट के आगे राइट हैंड है, इसके पीछे लेफ्ट हैंड है, पॉइंट मेरे पास x = 1 है, तो x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, क्योंकि ये इस साइड में छोटा है, छोटा है ना, तो छोटा कौन सा है x छोटा है 1 से, यानी x less than 1, इसका मतलब इसका जो फंक्शन होगा इसका जो फलन होगा वो क्या होगा fx बराबर, fx क्या है इसका फलन है, fx बराबर क्या है x2 + 1। बात समझ में आ गई। अब ये क्या है राइट हैंड लिमिट, यानी x ये कौन सी लिमिट है, ये तो x = 1 के इस साइड ही थी, लेफ्ट हैंड यानी कि इसकी बाईं सीमा, ये कौन सी सीमा है इसकी बाईं सीमा, ये कौन सी है इसकी दाईं सीमा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट है, यानी कि इसके पीछे इसे यानी एक से इधर है इसका मतलब लेफ्ट हैंड है, इसके उधर है इसका मतलब राइट हैंड है। तो देखिए राइट हैंड कौन सा है बड़ा है, दाईं सीमा क्या होती है हमेशा बड़ी होती है, तो देखिए x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से लेकिन बराबर है किसके 1 के, इसका मतलब fx क्या है इसका, इसका जो फलन होगा इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा fx बराबर x + 1 होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये चीज लेफ्ट और राइट का मतलब समझ में आ गया, ये तो आपको निकालनी पड़ेगी और फलन का मान इसी से आपको निकालना पड़ेगा, अगर सीधा सीधा निकल दे रखा था आपको फलन का मान उसमें निकाल दिया हमने, लेफ्ट और राइट आज इसमें से पता करना पड़ेगा लेफ्ट कौन सी है राइट कौन सी है, तो मैंने बता दिया कि जो छोटी चीज होगी वो इस साइड आएगी, बड़ी चीज होगी वो उस साइड आएगी, तो बड़ी होगी वो हमेशा राइट हैंड निकलेगी, छोटी होगी वो हमेशा क्या निकलेगी बाईं सीमा, और उधर बड़ी होगी वो क्या निकलेगी दाईं सीमा। तो देखिए फलन का मान निकालता हूं, फलन का मान यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फलन का मान एट x = 1 पर पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है कि नहीं है, तो मैं तीनों चीज निकालूंगा फलन का मान यानी बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तीनों निकलेंगे, अगर तीनों बराबर है तो फलन के आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, अगर तीनों में से एक भी बराबर नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए बाय डेफिनेशन पहला पॉइंट इसका बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एट x = 1 फलन का मान x = 1 पर, ठीक है भाई। तो देखिए मैंने बताया कि या तो उसमें ग्रेटर इक्वल मिलेगा या लेस देन इक्वल मिलेगा उसी पर फलन का मान निकलेगा, तो इस पर है हमारे पास में ग्रेटर इक्वल इसमें दे रखा है, इसमें तो है ही नहीं तो इस पर है, तो इसका मतलब फलन का मान किस में होगा, तो ये fx बराबर है, तो ये fx बराबर क्या आ जाएगा x + 1 आ गया ना, fx बराबर क्या होगा ग्रेटर इक्वल इस पर है तो फलन का मान इस पर आएगा, यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन किस पर आएगी इस पर आएगी, समझ में आ गई। तो fx बराबर x + 1 लिमिट मेरे पास में क्या है x = 1 पर पता करना है, तो x की जगह क्या रखेंगे f1 बराबर 1 + 1 बराबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। अब मैं निकालूंगा इसकी या तो लेफ्ट हैंड निकाल लो या राइट हैंड कोई भी एक निकाल लो, तो मैं लेफ्ट हैंड निकाल लेता हूं, चलो पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेता हूं। तो देखिए x = 1 पर फलन की बाईं सीमा, ये कौन सी सीमा है इसकी बाईं सीमा है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, इंग्लिश वालों को चिन्ह के लिए है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड निकाल लो तो इसका फंक्शन क्या है fx, छोटा है x, छोटा है 1 से, x less than equal 1 और x greater equal 1 ये बड़ा है, तो बड़ी इधर आएगी छोटी इस साइड आएगी, तो देखिए इसका फलन क्या है, फलन क्या है fx बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब मैंने कल क्या बताया बाईं सीमा में यानी कि लेफ्ट हैंड में h घटेगा, h घटेगा माइनस होगा, तो fx माइनस h बराबर x माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड में क्या होगा माइनस h होगा। अब देखिए इसमें तीन स्टेप निकालते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो h घटा दो, घटा दिया जहां भी x होगा वहां पे x घटा दिया। अब क्या करेंगे x की जो लिमिट है x हमारी जो लिमिट है उसको रखेंगे इसमें
एफ वन माइनस एच, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन। पहले स्टेप में फलन का मान, सॉरी फलन की जो बाई सीमा है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लिखेंगे। एफ एक्स बराबर फंक्शन है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो उसमें एक्स घटा दो, जहां भी एक्स है वहां पे एक्स घटा दो, ये आ गया। अब एक्स जो दे रखा है, एक्स की जो लिमिट है वो एक्स की जगह रखी, एक्स की जगह वन माइनस एच, यहाँ भी क्या आ गया वन माइनस एच की स्क्वायर प्लस वन। इतना काम होने के बाद फिर दोनों तरफ लिमिट लगा दो, क्या करना है दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब लिमिट एक नहीं रह गए क्योंकि एक इसमें पुट हो चुकी है, अब लिमिट जो होगी हमारी एच टेंस टू जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एच टेंस टू जीरो हो जाएगी। हर क्वेश्चन में यही होने वाला है, एच टेंस टू जीरो या फिर क्या है एफ वन माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से क्या आ जाएगा वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन। देखिए x की लिमिट रखी क्या आ गया, ये इतना काम होने के बाद में क्या करेंगे दोनों तरफ लिमिट लगा दो, दैट्स ऑल। अब देखिए मैं लिमिट रखूंगा x, जहां भी x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह 0 रखो, ये आ गया f 1 - 0। यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे x की जगह 0 रखूंगा, 1 - 0 की स्क्वायर 1 और ये प्लस 1, तो f 1 - 0 बराबर कितना आ गया 2। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई 2। मैंने कौन सी निकाल दी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, x equals to 1 पर फलन की बाई सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट at equals to 1। अब मैं निकालूंगा इसकी राइट हैंड लिमिट x equals to 1 पर, तो देखिए x equals to 1 पर निकालता हूं, x equals to 1 पर फलन की दाई सीमा, क्या निकालो दाई सीमा, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू वन, ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू वन। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट का मतलब बड़ी चीज है, राइट ये है यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा ही है यानी कि इससे ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखिए एक्स बड़ा है लेकिन बराबर है किसके, एक के, तो बड़ा कौन है, बड़े की लिमिट फंक्शन क्या है ये है, तो एफ एक्स बराबर क्या रहेगा, यहां से एफ एक्स बराबर क्या रहेगा एक्स प्लस वन। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को क्या करना है भाई, एक्स के साथ में राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो इसका मतलब एच जोड़ दू, लेफ्ट हैंड निकाल रहा है तो माइनस एच कर दू, तो यहां पर देखिए राइट हैंड निकाल रहा हूं तो एफ एक्स प्लस एच, यहां से एक्स प्लस एच प्लस वन, ठीक है भाई बस समझ में आई। f इसके राइट हैंड निकाल रहा हूं तो राइट हैंड ये है फलन, हमारे पास है फंक्शन ये होगा f(x) = x + 1, ये लिखने के बाद में x जोड़ दो क्योंकि राइट हैंड निकाल रहा हूं। अब देखिए x की जगह मैं क्या रखूं, 1, तो लिमिट क्या दी हमको 1, तो f 1 + h = 1 + h + 1। इतना काम होने के बाद में अगले स्टेप में क्या कर दो, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 + h = लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच, वन प्लस एच और प्लस वन, ये आ गई। अब देखिए इसमें लिमिट रख दें तो ये आ जाएगा एफ वन प्लस जीरो, एच की जगह निकाल जीरो आ गया बराबर, इसकी जगह जीरो रखूंगा तो वन प्लस वन आ गया, एफ वन प्लस जीरो बराबर टू, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 2, इक्वेशन सेकंड क्या थी 2, इक्वेशन थर्ड क्या आ गई 2, यानी कि इक्वेशन 1 2 3 से हमारे पास में x की जो हमारी जो लिमिट प्राप्त हो रही है, मैं सब में क्या प्राप्त हो रही है, इसका जो आंसर प्राप्त हो रहा है 2। तो देखिए इनमें क्या कह सकता हूं कि x equals to 1 पर f 1 f 1 बराबर f 1 plus 0 बराबर f1 माइनस 0, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना, ये भी इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तीनों बराबर है, तो x equals to 1 पर फलन कैसा है, x equals to 1 पर फलन सतत है, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 1, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 1, ये देखना है।
देखिए भाई ये सब प्रोसेस था। आशा करता हूँ कुछ समझ में जरूर आया होगा। आगे देखिए भाई एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं एग्जांपल ही समझाऊंगा। अरे चिंता करने की बात नहीं भाई, चिंता नहीं करनी, सब समझ में आ जाएगा। देखो सब समझ में आ जाएगा, आप तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे इसको करते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं यही चीज दिखने वाला हूँ, ढाई निकालूंगा एच जोड़ूंगा, बाई निकालूंगा एच घटा, मैं सिर्फ यही करने वाला हूँ। फंक्शन बस आपको ये पता करना है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, उसके बाद अपना आप सवाल सोल्व हो जाएगा। आपको ये पता करना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, लेस देन इक्वल किस में आ रहा है, वो फंक्शन का बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाए, फलन फलन का मान हो जाएगा। अब आगे देखिए देखिए एक एग्जांपल और देता हूं, fx बराबर, चलो दूसरा देता हूं एक, fx बराबर 5x माइनस 4 इफ, यदि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1 और x की क्यूब माइनस 3x If, यदि 1 less than x less than 2 तो x equals to 1 पर पता करना है आपको ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके पास में fx बराबर 5x minus 4 If 0 less than x less than equal 1, अब देखिए और लिमिट मेरे को दे रखी है x equals to 1 पर, पता करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखिए साहब अभी बताने वाला हूं आपको, इसको यहां से समझिए, x बड़ा है 0 से, इसको समझो यहां से x बड़ा है 0 से लेकिन x छोटा है और बराबर है किसके 1 से। ये क्या है x, ये देखिए x less than equal 1 नहीं है क्योंकि x छोटा हो गया ना 1 से, 0 x जो है वो बड़ा है किससे 0 से, x तो बड़ा है यहां पे 0 से लेकिन यहां x छोटा है किससे, x छोटा है और बराबर है किसके 1 के, x less than equal यानी कि x है वो छोटा है और बराबर है किसके 1 के, यानी कि छोटा है। इसका मतलब कौन सी लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, छोटा है 1 से, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी, कौन सी लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां से देखिए x बड़ा है 1 से, x बड़ा किससे 1 से लेकिन छोटा किससे 2 से, बात समझ में। मेरे को लिमिट क्या दी इसने, x equals to 1 पर करना मेरे को, तो x equals to 1 पर ही लेंगे क्योंकि 0 तो आगे यहां पर एग्जिस्ट नहीं चला, 0 यहां पे लेते तो आगे 0 नहीं चला, यहां पर 1 से 2 के बीच चला दिया, तो इसका मतलब x equals to 1 यहां से और यहां से आपको लिमिट फंक्शन को उठाना है। तो देखिए x छोटा है बराबर है लेकिन 1 के, इसका मतलब ये कौन सी सीमा है इसकी, कौन सी है लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब यहां देखिए x बड़ा है 1 से, इसका मतलब यही तो है भाई, इसका मतलब यही तो है, x की तरह भी तो बोल रहा है ये, x बड़ा है 1 से, बात समझ में आ गई, यानी कि ये बड़ी लिमिट है, ये कौन सी छोटी लिमिट है, मैंने बताया ये ग्रेटर होता है ये लेस देन होता है, तो छोटी ये हो गई बड़ी ये हो गई, बात समझ में आ गई ना, x छोटा है 1 से
बराबर है, x छोटा है और बराबर है किससे, एक से। या क्या है, x बड़ा है एक से लेकिन दो से छोटा है, x बड़ा है एक से, बड़ा है ना एक से, ये इसको मैं लिख सकता हूं x greater than, इसका मतलब समझने के लिए ये x बड़ा है एक से, इसका मतलब ये कौन सी है राइट हैंड लिमिट है, ये कौन सी है लेफ्ट हैंड लिमिट है। बात समझ में आई क्या भाई, बात समझ में आ रही है। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन निकालना है, यानी फलन का मान निकालना है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखिए इसमें तो लेस इक्वल है ही नहीं है ना, लेस इक्वल का है यहां पे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कौन सा आ जाएगा, ये होगा, कौन सा होगा, ये होगा। तो दोनों चीज एक साथ, दोनों में एक साथ नहीं है, ध्यान रखना यह बात, या तो लेस देन इक्वल आएगा या ग्रेटर इक्वल आएगा, उसी पे ही फलन का मान निकलेगा, ध्यान रखना अच्छे से। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन, तो देखिए मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर फलन का मान, x equals to 1 पर फलन का मान by definition of function at x equals to 1। अब देखिए fx बराबर क्या आ जाएगा भाई, fx किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, ये फंक्शन इसके सामने कौन है ये, तो fx बराबर क्या आ जाएगा 5x minus 4, क्या आ जाएगा 5x minus 4। अब देखिए फंक्शन का जो मान निकालेंगे डायरेक्ट इसमें लिमिट रखेंगे x equals to 1, तो f1 x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, 5 into 1 minus 4, तो f1 बराबर कितना आ गया 5 minus 4 1, ये मेरे पास में इक्वेशन आपस कर दिए। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका मतलब यही है, ये पॉइंट है, ये कौन सी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कौन सी है राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये कौन सी है बाईं सीमा, ये कौन सी है दाईं सीमा, ये x equals to 1 है, तो लेफ्ट हैंड में कौन सी आ जाएगी, ये x छोटा है 1 से, x छोटा है बराबर है 1 के, तो कौन सी आ जाएगी fx, इधर से क्या आ जाएगा 5x minus 4, और x बड़ा है 1 से, तो कौन सी आ जाएगी fx बराबर ये चीज आ जाएगी 4x की क्यूब minus 3x। बात समझ में आ गई, यानी कि बाईं सीमा और दाईं सीमा पता लग गया कैसे, यानी कि जो छोटी होगी वो इस साइड में आएगी, बड़ी होगी वो उस साइड में रहेगी। तो देखिए लेस देन होगा वो छोटा होगा, ग्रेटर होगा वो बड़ा होगा। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कौन से पर आएगी, क्योंकि छोटा है ये 1 से, तो fx बराबर क्या आ जाएगा 5x minus 4। अब लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूं यानी कि ये निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड, तो इसके पीछे तो माइनस x करेंगे, इसके आगे तो x डॉट देंगे, तो f x minus x 5 x minus x minus 4, ठीक है भाई, x डाल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। अब x की जगह क्या आ जाएगी, मेरी लिमिट आ जाएगी जो दे रखी है वो f 1 minus h 5 1 minus h minus 4, ठीक है भाई। अब क्या करो अगले स्टेप में दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो दोनों तरफ लिमिट लगा दे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 minus h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 minus h minus 4, ठीक है भाई। अब मैं क्या लगा दूं इसमें, लिमिट रख दूं इसमें, क्या कर दूं लिमिट को लगा दूं, मेरे को क्या रखना है x tends to 0 रखना है, तो x tends to 0 रखूंगा तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा f 1 minus 0, x की जगह 0 रख दिया, यहां पे रखेंगे तो देखिए 5 1 minus 0 minus 4, तो ये आ जाएगा, ये यहां पे 0 जाएगा x की जगह, तो यहां से आ जाएगा 5 minus 4, क्या आ जाएगा 5 minus 4, तो f 1 minus 0 बराबर 1 आ गया। पास समझ में आ गई, ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट था, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन थर्ड निकालता हूं, इक्वेशन थर्ड में क्या निकलेगी, अब क्योंकि मैंने लेफ्ट निकाल ली तो अब क्या निकालूं, राइट निकालूंगा,
तो आप देखिए x इक्वल्स टू 1 पर फलन की दाई सीमा, क्या निकालूंगा? दाई सीमा। तो दाई सीमा कौन सी है? x बड़ा है, दाई सीमा यही तो है ना इसकी, राइट हैंड सीमा, यानी कि ये चीज क्या है, बड़ी होगी। तो x बड़ा है 1 से, है ना, x बड़ा है 1 से, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, x बड़ा है 1 से, इसका मतलब x बड़ा हो गया ना 1 से, तो दाई सीमा हो गई। तो देखिए f x बराबर क्या आ जाएगी, 4x की क्यूब माइनस 3x। अब मैं कौन से यहाँ पे आप ये भी दिखेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, इंग्लिश वाले दिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। अब देखिए राइट हैंड निकालना हो तो x जोड़ दो इसमें, x प्लस h, 4x प्लस h की क्यूब माइनस 3x प्लस h। अब x की जगह क्या रख दूं, जो लिमिट दे रहे क्या वो लगाते f 1 plus h बराबर 4 1 plus h की क्यूब माइनस 3 1 plus h। अब क्या करूं, दोनों तरफ लिमिट लगा दूं, तो लिमिट h tends to 0 f 1 plus h बराबर लिमिट h tends to 0 यह आ जाएगा 4 1 plus h की क्यूब माइनस 3 1 plus h। अब क्या लगानी है, लिमिट रखना है, s tends to क्या रखना है, 0, h की जगह क्या रखना है, 0, f 1 plus 0 बराबर, यहां पे 0 रखूंगा, 1 की क्यूब 1 4 आ जाएगा, यहां से देखिए यहां पे 0 रखूंगा तो माइनस का 3 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, f 1 plus 0 बराबर 1। तो तीसरी कंडीशन ये आ गई आपकी, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। तो देखिए x इक्वल टू पर फलन का मान क्या आया, 1, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई, 1, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1, ठीक है, इसका मतलब तीनों बराबर है, बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से एक भी बराबर नहीं आती तो फंक्शन क्या, या जो आपका क्वेश्चन था वो क्या होता, डिसकंटीन्यूअस हो जाता। तो देखिए f 1 बराबर f 1 plus 0 बराबर f 1 minus 0, यानी कि x equals to 1 पर फलन कैसा है, सतत है, यानी कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 1, x equals to 1 पर फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। तो देखिए इस क्वेश्चनों को आप निकाल के देखना भाई, कल मैं और एग्जांपल करवाऊंगा इसके ऊपर, आपको अच्छे से सिखा के आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा तब मैं इसके एक्सरसाइज में पहुंचूंगा। कल मैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगा, कैसे आते हैं विद इन सेकंड में आप कैसे निकालेंगे वो कल समझाऊंगा आपको, बस ये निकाल के देखना आप लोग।